झज्जर के छाया गांव में बदमाशों ने बाप और बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हमले में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाप गंभीर रूप से घायल हो गया। बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी पर कातिलाना हमला कर दिया। इस हमले में बेटी की मौके पर मौत हो गई तो वही पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया जब बाप अपनी बेटी को बस स्टैंड छोड़ने के लिए जा रहा था। कार में सवार होकर कई बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल को रुकवाया और दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सारा गांव में उसके फादर को गोलियां मार दी हैं, जिस पर हम यहाँ सारा गांव में आए उनको लेकर आना डीजीआई में चले गए, आगे कार्रवाई हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमलावर कौन थे और हत्या के पीछे क्या कारण थे, इन बातों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं और साथ ही घायल पिता के बयान भी लिए हैं। पुलिस ने इस मामले में कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। तो वही डीसीपी का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के चारों तरफ नाकेबंदी करवा दी गई थी। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे बेच दिया जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है।